तो इस जानिब लाहौर हाई कोर्ट में ही इमरान खान की तीन मुकदमात में हिफाजती जमानत की दरखास्तें दायर कर दी गई हैं। ये कौन से तीन मुकदमात हैं जिनमें इमरान खान की हिफाजती जमानत की दरखास्तें दायर की गई हैं, इस बारे में तफसीलात जान लेंगे। मोहम्मद अशफाक हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद होंगे। अशफाक आगाह कीजिएगा। मोहम्मद अशफाक सर, आप करने की कोशिश करेंगे। लाहौर हाईकोर्ट में इमरान खान की तीन मुकदमात में हिफाजती जमानत की दरखास्तें दायर कर दी गई हैं। थाना रमना के दो, कोयटा के एक मुकदमे में हिफाजती जमानत की दरखास्त दायर की गई है। दरखास्तों में 15 दिन की हिफाजती जमानत की इस्तदा की गई है। तो एक बार फिर मामला अदालतों में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ, इमरान खान की तीन मुकदमात में हिफाजती जमानत की दरखास्तें दायर हो चुकी हैं। लाहौर हाईकोर्ट में थाना रमना के दो, कोयटा के एक मुकदमे में हिफाजती जमानत की दरखास्त दायर कर दी गई है। दरखास्तों में 15 दिन की हिफाजती जमानत की इस्तदा की गई है। तफसीलात जान लेते हैं। मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद है। अशफाक आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की तीन मुकदमात में हिफाजती जमानत के लिए दरख्वास्तें लाहौर हाईकोर्ट में दायर कर दी गई हैं। ये दरख्वास्तें इमरान खान ने बैरिस्टर सलमान सफदर की विसादत से लाहौर हाईकोर्ट में दायर की हैं। दरख्वास्तों में इस्लामाबाद के थाना रमना के दो और कोयटा के एक मुकदमे में हिफाजती जमानत की इस्तदा की गई है। हिफाजती जमानत की दरख्वास्तों में ये मौकफ इख्तियार किया है कि पुलिस ने जमानत पार्क को चारों इतराफ से घेर रखा है और इमरान खान मुतलका अदालत में पेश होकर सरेंडर करना चाहते हैं, और इसी बुनियाद पर लाहौर हाईकोर्ट इमरान खान की तीनों मुकदमात में। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशफाक, आपने अपडेट किया।